जी ने सबसे पहले कहा कि हमें या हिंदुओं को रक्षा अपनी स्वयं करनी है, तो ये विषय ही क्यों आया? क्योंकि हम कहते हैं कि स्टेट का सपोर्ट नहीं है, स्टेट मतलब पुलिस, स्टेट मतलब आर्मी। तो वहाँ की जो स्थिति है बांग्लादेश में, आर्मी ने टेक ओवर किया और कोई एक्शन नहीं दिखा हमें ग्राउंड पर। तो हिंदुओं ने क्या किया, अपना वो एकत्रीकरण, वो चिटगांव और ढाका में जो दिख रहा है, मतलब वो स्वयं समूह के रूप में एकत्रित हुए और अपना उन्होंने प्रदर्शन किया कि हम एकत्रित हैं। तो ये हम कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में कि एक व्यक्ति अगर एक समाज एकत्रित है तो उससे भिड़ने की दूसरे कम्युनिटी जो है वो कम, मतलब वो चांसेस है कि कम लड़े। तो हम कहते हैं कि जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से एक्टिव है, सामाजिक रूप से एक्टिव है और सांस्कृतिक रूप से एक्टिव है, और एक समुदाय है जो न्यूक्लियर फैमिली है, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, समाज में क्या चल रहा है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति से अपने बच्चे को दूर रखना है कि राजनीति गंदी चीज़ है, तो ऑब्वियसली वो कम्युनिटी डोमिनेट करेगी जो तीनों लेवल पे आपसे आगे है। पॉलिटिकली भी वो ज़्यादा एक्टिव हैं, सामाजिक रूप से वो हर दिन, हर सप्ते में एक दिन मिलना, एक जो हम उस विषय को रखते हैं, और जो हम कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम जो हम कहते हैं उसको, हम मदरसा कह लें, उसको किसी भी रूप में कह लें, तो वो जो तीन फ्रंट आपको दिखते हैं वो हिंदू में आपको नहीं दिखते हैं। हिंदू जब वो कहता है खुला विचार का हो जाता है तो सारी मर्यादा को तोड़ के वो कहता है कि हिंदू इज़ अ वे ऑफ लिविंग, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी ही खो देता है, वो क्या है, उसे किससे जुड़ना चाहिए, कौन उसका समाज है। जब तक ये जो व्यवस्था है कि वो समाज को समझे, जाने, संस्कृति को समझे, धर्म की असली परिभाषा समझे, तब तक वो समाज, हम कहते हैं जो स्वबोध है वो उसका नहीं होगा। जब तक स्वबोध नहीं होगा तो शत्रुबोध नहीं होगा। और डेमोक्रेसी की क्या है बात, डेमोक्रेसी वोट बैंक पॉलिटिक्स पे काम करती है। आप अगर एकत्रित रूप से दिखते हैं तो नेता भी आपके रूप में आवाज़ उठाते हैं। आप अगर जातिवाद की राजनीति करते हैं तो नेताओं को भी लगेगा जहां संख्या ज़्यादा है हम उसकी तुष्टीकरण की राजनीति करें। तो संख्या बल के लिए आपको जो हम कहते हैं कि यूनिटी है, जो आपस में जो मतभेद है, भेदभाव है, या सामाजिक प्रदर्शन है कि हम मिलते हैं, जुलते हैं, हमारी एक कम्युनिटी, ये आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, तभी जो गवर्नमेंट होती है वो आपके सपोर्ट में आती है। और बांग्लादेश में भी जो हम आवामी लीग कहते हैं और जो दूसरी पार्टी कहते हैं, तो आवामी लीग का कभी आप चेक करेंगे कि वो किस साइड है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, तो वो इंटरनेट पे आता है डिबेटेबल, वो कभी बताते नहीं कि वो क्या है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वो मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी लगाते हैं जो खिलाफ है, इस्लाम में आप किसी की मूर्ति नहीं बना सकते। तो उनको लगता था कि उनका जो वोट बैंक है एक सेकुलर, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो हम कहते हैं स्विंग हुआ है, तो जो जनता है वो जो अटैक करती है वो देखती है कि इसके वोट बैंक कौन है। और ये लोग भूल जाते हैं कि 71 में ये पाकिस्तान से बन के ये बांग्लादेश बन रहा है, ईस्ट पाकिस्तान से, तो जो लोग पाकिस्तान के सपोर्टर होंगे वो तो कहीं गए नहीं, वो उसी देश में बैठे हुए हैं। तो जो आइडियोलॉजी आती है जिसको हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे नहीं समझ पाते, जैसे हम जमात इस्लामी अगर बोले तो वो पाकिस्तान में भी है, भारत के देवबंद से वो निकलती है और वो बांग्लादेश में भी है। तो ये जो ऑर्गेनाइज जब रिलीजियस वॉर में जो कन्वर्ट हो जाता है, जो पॉलिटिकल था, जो हम शुरुआत में आइडियोलॉजी ये आई कि देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये ऐसा प्रोटेस्ट है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है उसमें कुछ इन्होंने गड़बड़ी की है शेख हसीना ने, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ से ये नैरेटिव स्टार्ट होता है, लेकिन कन्वर्ट हो जाता है रिलीजियस में। तो जब भी हम कहते हैं अराजकता आती है तो उसमें कई समुदाय होते हैं जो बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और वो जो हम कहते हैं रेडिकल, जो रेडिकल आइडियोलॉजी होती है वो, और जमात इस्लामी 71 से ही है वहाँ पे, और वो इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं आर्मी में भी है, वो जो विचारधारा है वो आर्मी। तो ये सोचिए ये कैसी, मतलब कैसी दयनीय स्थिति है कि आपकी आर्मी में भी अगर रेडिकल आइडियोलॉजी आ जाए तो उस देश का क्या होगा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।